हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं DPI के बारे में। ये क्या है, ये क्यों है और ये किस लिए है, इसे इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसी वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरे अंत तक देखना। बात करते हैं DPI के फुल फॉर्म के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म है डॉट पर इंच। मेला दिनों का आता है। चलिए मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। इन लोग मुझे ऐसे वीडियो बनाने नहीं देंगे। तो जैसा कि अभी आपने देखा, आपका वैसा ही हेड लगेगा। घंटा ऐसा कुछ भी नहीं होता। इतना परफेक्ट हेड हर बार नहीं लगता है। DPI लोग फेक बताते, कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। DPI इतना भी ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता है। आपके मोबाइल में DPI का बस यही काम रहता है, आपके मोबाइल के पिक्सल्स को संभाल के रखता है। अगर आप DPI को ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो आपके पिक्सल्स और बहुत छोटे हो जाएंगे, और छोटे होने की वजह से वो बहुत हल्के हो जाएंगे, जिससे आपका सेंसिटिविटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इतने सेंसिटिविटी को आप बढ़ा के प्लेयर को संभाल ही नहीं पाएंगे। प्लेयर को संभालना तो आप छोड़िए, आपका मोबाइल ख़राब हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है, आपका मोबाइल एक हद तक ही पिक्सल्स को छोटा कर सकता है। अगर आप उससे ज़्यादा छोटा कर देते हैं तो आपका मोबाइल सपोर्ट नहीं कर पाएगा उसको, और धीरे धीरे लैग होते होते मोबाइल आपका ख़राब हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उससे हेडशॉट नहीं लगा लगता है भाई, लेकिन इन लोग वीडियो में कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के दिखाते कि ये हेडशॉट वो हेडशॉट, इतना भी ज़्यादा अच्छा हेडशॉट उससे नहीं लगता है। तभी भी अगर आपको इसको बढ़ाना है तो आप एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं, और उसके लिए आपको एकदम आपको कतई जहर वाला प्लेयर, जैसे आप खेलते हैं दिन रात, वैसा वाला प्लेयर आपको बनना पड़ेगा और इसको सीखना पड़ेगा एकदम अच्छे से आपको, तभी आप कर पाएंगे। नहीं तो आपको पहली बार में कोई भी डिफरेंस आपको उतना नहीं दिखेगा इसमें। लेकिन अगर आपको फिर भी बढ़ाना है तो मैं आपकी लिमिटेशन इसको बता सकता हूँ कि आप कितने लिमिट तक इसको बढ़ाएं। अगर उससे ज़्यादा आप बढ़ा देंगे तो आपका मोबाइल ख़राब हो जाएगा। तो 1 GB रैम वालों, उनमें तो वैसे ही अटक अटक के चलता है, और तुम में वो 100 भी शायद ही करेगा, तो तुम भाई कुछ भी नहीं कर सकते। 2 GB रैम वालों, अगर आपके में दिख भी जा रहा है तो शायद 360 पे रहेगा। 360 से ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते, बढ़ाएंगे तो आपका मोबाइल ख़राब होने की बहुत ही चांसेस है। 3 GB रैम वाले बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 3 GB रैम वाले भी 360 शो करते हैं, लेकिन वो 399 तक बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। 4 GB रैम वालों, तुम्हें बढ़ाना है 430 तक, और 6 GB रैम वालों, तुम्हें बढ़ाना है 480 तक, या 480 के अंदर ही थोड़ा रखोगे तो अच्छा रहेगा, उससे ज़्यादा मत करना। और 8 GB और 12 GB रैम का भी किसी के पास मोबाइल है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे दूँगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे बदलेंगे कैसे। यार तो तुम अपने सबसे पहले सेटिंग पे जाओ, फिर डेवलपर ऑप्शन को खोजो। अब भाई तुम इतने तो दूर नहीं हो कि तुम्हारे मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन कहाँ है तुम्हें पता ही ना हो। चलिए ठीक है, नहीं भी पता हो तो आपको अबाउट फ़ोन में जाना है, आपका ये जो बिल्ड नंबर रहता है उसको थोड़े बार क्लिक करना है, फिर आपका डेवलपर ऑप्शन नाउ ऑन हो जाएगा। फिर आपको बैक जाना है, मेरा डेवलपर ऑप्शन नीचे आता है, इसमें आपको जाना है। फिर आपको थोड़े नीचे पे जाना है प्यार से एकदम, फिर आप थोड़े नीचे जाते जाएंगे, नाचे जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे। तो ये है आपकी DPI की सेटिंग। तो मेरा है 360 पे। तभी भी भाई मैं बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा रिस्की है। अगर आप अपने मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो आपके मोबाइल का नुकसान होता है। और आप इसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, आप रख सकते हैं, आप थोड़े दिन रख के देखिए, अगर आपके मोबाइल में कोई भी लैग और प्रॉब्लम शो नहीं करता है तो आप वैसा रख सकते हैं। लेकिन तभी भी उतना ज़्यादा कुछ होगा नहीं। अगर आपको ऐसे हेडशॉट मारना है और बहुत आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो आप अपने फ्री फायर से ही सेंसिटिविटी को फुल कर सकते हैं, उससे भी अच्छा खासा हेडशॉट लग जाता है। कुछ दिन से मैंने ये सारे चीज़ को इस्तेमाल करके देखा और मैं अपने एक्सपीरियंस से इस सब चीज़ को आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही मुँह उठा के नहीं आ जा रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्त में फैला देना ताकि वो पा सके ऐसा नया वीडियो। और तो चलिए आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो पे।